ब्रिटिश इंडियन कॉरपोरेशन के भारत में बहुत से मिले जिन्हें कभी भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपने कार्यकाल में शुरू किया था, जिनमें से लाल इमली कानपुर तथा उसके ब्रांच न्यू एजिटेरन बुरलन मिल धारीवाल, जिसमें गर्म कपड़ा बनता था, भी मुख्य तौर पर शामिल थी। चाहे ब्रिटिश राज खत्म हो गया है, लेकिन गर्म कपड़ा बनाने वाली ये दोनों मिलें चलती रही और समय के साथ साथ ये आगे भी बढ़ती गई। इन दोनों की देखरेख केंद्र सरकार के तहत हुई और एक समय ये था कि इस मिल में 5,000 से ज्यादा लोग काम करते थे। मिल 3 शिफ्टों में काम करती थी और समय ऐसा आया कि काला साया इस पर मंडराने लगा। इन मिलों पर पड़ा कि आज धारीवाल स्थित न्यू एजिटेरन वुलन मिल की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और ये मिल बिल्कुल बंद होने की कगार पर है। गुरदासपुर से सुखवीर सिंह की खास रिपोर्ट। इंप्लायर सन 81 तो हजे मेरे 4 साल है, 21 रिटायरमेंट, पर असी हुण जरा जीवन बहुत दुख भरिया जरा असी बयान नहीं कर सकते। मतलब कि वह कट्ट दे 80 च हालात बहुत चंगे सी, थोड़ी तनखा मिलती सी, टाइम सिर मिल जाती सी, पर 2008 तो लैके हुण तक असी धक्या नाल ही चलन। मेरे फादर साहब इतने बॉयलर के काम करके गए सी, ईवन दन के मेरे ब्रदर भी सके, लेकिन उन्होंने पर गवर्नमेंट जॉब मिल गई चल गए इतों। 16 नो वैसे ही साड़ी अपॉइंटमेंट सी, तो उस टाइम तो इतने घट्टो घट्ट कोई 5,500-6,000 वर्कर काम करता सीगा, तो बड़ा काम चलता गया। अंग्रेजों के टाइम के बड़ा अच्छा सी काम, जो ये मैनेजमेंट देसियों के हाथ आ गई है, पंजाबियों का हाथ आ गई है, मतलब ज इंडियन का हाथ आई है, उस तो बाद जोड़ा भी कोई आया वा CMD आया या डायरैक्टर आया वा उन्हें मिलने लुटिया, जिस करके मिल जी अज बंद होने के कगार पहुँच चुकी है। अज स्थिति की आ कि साडा साथी रिटायर हो रहा वा, ये को इन्नी हिम्मत है नहीं गई कि मैं अपने भैन भरा रिश्तेदार को चाह पानी पिला सकता। अज तुम बिजली बोर्ड देखो, रेलवे देखो, पंजाब बोर्ड देखो, तो उत्थे की हुंदा वा, उन्होंने नाल ही चैक दे दिंदे आ और बड़ी वधिया पार्टी करते हैं, पर अही साढ़े शर्म नाल सिर जिहड़ा झुक जाता वा। अही रिश्तेदार नूं बुला के अही की खवावांगे, उन्हूं की पिलावांगे। देखो जी इंप्लाइज आए हुए 350 रह गए जी। प्रोडक्शन तो वैसे तो 90 तो बंद ही हो गई जी, 90 सन तो 1990 तो उस तो बाद एक बार वाजपाई साहब विनोद खन्ना ने इन्हों रिवाइवल की कराई तो 210 करोड़ रुपये दवाया इस मिल में, तो लाल इमली कानपुर में। तो उस तो बाद फिर हम हिसाब ला लो भी 17 सन आ गया, बस उदो एक साल चली वो जो पैसा 210 करोड़ ही मैनेजमेंट CMD मिनिस्ट्री जी टैक्सटाइल मिनिस्ट्री सारी खा गए। साड़ी है कपड़ा मिल हैगी है द ब्रिटिश इंडिया वुलन मिल का अपने नाँ तो जानते हैं, यदा इतिहास बहुत पुराना है। साडा जो धारीवाल शहर है वो ऐसी मिल के नाँ तो जाने जाता सीगा, कपड़ा मिल के नाँ तो जाने जाता सीगा। पहले तो बहुत वधिया मिल चलती पई सीगी, बट कुछ सालों तो यह मिल के प्रोडक्शन होनी बंद हो गई। पिछले अपना इदियाँ बहुत एफर्ट्स कीतियां इहनू चलांद करके, एक लोकल नुमाइंद तो लैके साडे जिहड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष है BJP दे अमित शाह तक, जिन्हें भी राज्य मंत्री आते हैं, जिन्हें MP आते हैं, चाहे वह टैक्सटाइल मिनिस्टर ने, चाहे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, चाहे वह लेबर मिनिस्टर ने, सारिया तकरीबन जाके मिले हैं। ये आप जो सा पहले टैक्सटाइल मिनिस्टर रह चुके संतोष गंगवार जी, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने बकायदा मेमोरेंडम दिता, 4 वारी जीडिया साढ़िया तनखावं सगिया वो रुकिया जी वो लिया, आप कभी 11 महीने हो जाते ही, कभी 7 महीने हो जाते ही, उन्होंने तनखाव नहीं मिलती सी। फिर आप बाद अजय टमटा जी साडे राज्य मंत्री है उन्होंने मुलाकात की, स्मृति ईरानी जी ने मुलाकात की, फिर अपने अमित शाह जी ने मुलाकात की, उन्होंने दसिया कि यह मिल जी साडे इस मिल की कपैसिटी जी 8 तो लैके 10,000 मजदूरों की कपैसिटी है। 10,000 इंपलॉई का मतलब है कि एक इंपलॉई के पिछे 5 मैंबर भी होने घर के, तो 50,000 बंदा जरा इतों रोटी खा सकता, यह साडे इलाके की नुहार बदल सकती है। बड़िया सरकार आई, बड़े लोग प्रधान भी आए, बड़ा कुछ होया, वादे किए पिछे साडे इत्थे जिहड़ी जिमनी चोण आई MP की, उहदे च मिल गेट ते अगे रैलियां ते हर पार्टी ने कीतियां, पर मिल वास्ते किसी ने गल नहीं की, किसी ने मुद्दा नहीं चुकया भी आपां मिल नूं चलावांगे। आपां खुद परसनली तौर पर 3 साल तो आपां लगे दे आ, साडी एक NGO है नया युग नई सोच, उहदे दे विच आपां बहुत काम किया, सारे मिनिस्टरां नूं मिले, सारे प्रधानां नूं, राज्य मंत्रियां नूं मिले, कि इहदे वल ध्यान देवो। आपां जे आम इंसान हो के इन्ना काम कर सकते हैं, बट जिहड़े उच्च अधिकारी बैठे ने, उच्च लीडर बैठे ने, वो जो थोड़ा जिहा प्रयास करें तो मैं कहिंदा मिल जिहड़ी चल सकदी।